गुजर चुके वर्ष 2022 में जिले में ऐसे कई आपराधिक मामले सामने में आए जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। फिर चाहे वह 25 लाख की फिरौती के लिए 7 साल के दक्ष के अपहरण की घटना हो या फिर 25 किलो गांजे के साथ आरोपियों को पकड़ा जाना हो या फिर एक साल में 6 खूंखार नक्सलियों का एनकाउंटर। लेकिन वर्ष 2022 का सबसे चर्चित मामला रहा डबल मनी का, जिसे पुलिस भी स्वीकार करती है। सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में हुई पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि इस मामले में अब उन लोगों को पैसा लौटाने का प्रयास तेज किया जाएगा जिनके बहकाव में आकर फर्जी स्कीम में अपनी जमा पूंजी जमा की थी। एसपी का कहना है कि पीड़ितों को पैसे लौटाने को लेकर उच्च न्यायालय भी गंभीर है और उम्मीद है कि जल्द ही लोगों को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी समीर सौरभ ने बताया कि डबल मनी मामला वर्ष 2022 का सबसे हाईलाइट मामला था। उन्होंने बताया कि इस मामले की शुरुआत में सिर्फ 3 एफआईआर दर्ज हुई थी लेकिन आज 20 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 40 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में पुलिस को भी और भी नई शिकायतें मिल रही है। मुख्य आरोपियों की जमानत रद्द हो चुकी है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अब हमारी कोशिश लोगों को उनका पैसा दिलाने का रहेगा। जो प्रकरण ट्रायल में चल रहे हैं उनमें बहुत जल्द ही लोगों को पैसा दिलाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। डबल मनी के अंतर्गत कार्रवाई बहुत बड़ा हाईलाइट पॉइंट था लास्ट ईयर का। शुरू में 3 एफआईआर हुए थे, उसके बाद आज के डेट में लगभग 20 एफआईआर हो चुके हैं और 40 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। कंटिन्यूसली इसमें हमें नई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और नए एफआईआर भी किए जा रहे हैं। जो आरोपीगण मुख्य आरोपीगण हैं उनकी जमानत भी रद्द कर दी गई है माननीय न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, और उनकी गिरफ्तारी भी प्रयास जारी है। गिरफ्तारी नहीं होने की दशा में फिर जो लीगल प्रोसेस हमारे पास होता है, चाहे वो संपत्ति कुर्की की हो, ऐसे जो भी संपत्ति ला जाता सीज, पर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सबसे बड़ा फोकस बालाघाट पुलिस का ये रहेगा कि हम लोग उसमें लोगों का पैसा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू करें। कोर्ट भी इस बारे में लेकर बहुत संवेदनशील है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें जो भी प्रकरण अभी ट्रायल में चल रहे हैं उसमें बहुत जल्दी पैसा वाली दिलाने वाली निवेशकों को पैसा दिलाने वाली कार्रवाई भी शुरू होगी। ईडी की भी जांच इसमें पैरेलल जारी है और जैसा आपको जानकारी है ईडी अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एस्पेक्ट्स और हवाला एस्पेक्ट्स पर कर रही है। कुछ भी ऐसे लोग हैं जो कि ये देख रहे हो कि चलो देखते हैं बाकियों का मिलता है तो हम लोग ट्राई करें, उन सभी लोगों से निवेदन ये रहेगा कि आप लोग एफआईआर कराएं, तभी कोर्ट इस बात की गंभीरता को समझेगा कि आपने वाकई में अपने पैसा को निवेश किया है और तभी कोर्ट आदेशित कर सकता है आपका पैसा वापस कराएं। जी सर, क्योंकि कोर्ट उसकी पूरी भली भांति जांच पड़ताल करने के बाद ही पैसा दिलवाने की प्रक्रिया या आदेशित करेगी। अगर ये मानेगा कोर्ट कि आपने एफआईआर कराने में बहुत ज्यादा विलंब कर दिया तो फिर अगर आप उसको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कोर्ट के सामने तो हो सकता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ऐसा अपना ओरिजिनल चेक रख रहे हैं कि फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल रख रहे हैं, 138 वो नहीं लगा पाएगा फिर 138 का तो मतलब ही नहीं है, वो तो पूरे अकाउंट्स उसके सीज्ड है। तो उसमें तो आप कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एफआईआर कराने की बजाय देख रहे हैं कि चलो एक बार पैसा डाल के देखते हैं बैंक में, हो सकता है शायद निकल जाए डबल, पर वो तो निकल ही नहीं सकता, उसमें तो बैंक मैनेजर भी कर रहे हैं। बालाघाट पुलिस ने बीते वर्ष 2022 में ट्रक और ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल। एसपी ने बताया कि संपत्ति संबंधी अपराधों में पुलिस को काफी सूझबूझ के साथ मामलों को सुलझाया है। इसमें मलाजखंड क्षेत्र में ट्रक ट्रैक्टर और करीब 40 मोटरसाइकिल चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा गया है। एसपी ने 2022 के आखिरी महीनों में की गई क्रिकेट सट्टा का खुलासा किया था, से पुलिस अपनी अच्छी कार्रवाई बनती है। वर्ष 2022 में नियम के विरुद्ध वाहन चलाने या फिर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर साल 2021 और 2021 की तुलना में अधिक चालानी कार्रवाई हुई। एसपी ने बताया कि हेलमेट और यातायात नियमों को लेकर हाईकोर्ट ने भी गंभीरता दिखाई थी। यातायात पुलिस ने साल 2020 में 29 लाख, 21 में 28 लाख समन शुल्क वसूला गया था, जबकि साल 2022 में समन शुल्क 43 लाख रहा। वारासिमी का किडनैपिंग वाला मैटर एक अनदर हाईलाइट पॉइंट था। बहुत जल्दी हम लोगों ने एक बहुत सेंसिटिव मैटर में हमारी टीम ने बहुत शानदार काम किया। संपत्ति संबंधी अपराधों में जो इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा उसमें करेक्ट करने पड़ते हैं डॉट्स को कि इसके बाद कहाँ गया उसके बाद कहाँ गया,
तो यहाँ से जो एक ट्रक चोरी हुआ था उसके मलाजखंड में ट्रैक्टर चोरी का एक गैंग था जो इंटर स्टेट गैंग था उसको बस्ट किया है। मोटरसाइकिल लगभग मुझे लग रहा है 35-40 मोटरसाइकिल हमने जब्त किए। गांजे की एक बड़ी कार्रवाई थी जिसमें 25 किलो से ऊपर का गांजा है, बाद में लाने में 25 किलो से ऊपर का गांजा हमने जब्त किया है। तो और भी कार्रवाइयां इसमें चल रही, कोशिश करूंगा कि जो मुख्य आरोपी है गांजे वाले प्रकरण में उसमें हम लोग कड़ी से कड़ी हमारी डायरी जो है उतनी स्ट्रांग बन सके कि हम लोग अच्छी कार्रवाई कर सके उसमें। टुवर्ड्स द लेटर एंड ऑफ द ईयर नवंबर दिसंबर में क्रिकेट का जो सट्टा आईपीएल सट्टे पे कार्रवाई थी वो भी बहुत अच्छी रही, आप लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग था उसमें। और इन जनरल शहर में एक पॉजिटिव माहौल उस कार्रवाई के बाद बना, जो कि मुझे लगता है कि पुलिस की जो कार्रवाई है उसका सबसे बड़ा अगर ये माना जाए कि अच्छी कार्रवाई का मानक है वो यही कि समाज उसको किस तरह से व्यू करता है। तो जैसा मैं फीडबैक ले पाया तो एक जनरली पॉजिटिव व्यू था शहर में इस बात को लेकर कि अच्छी कार्रवाई हो रही। कई बड़े मामलों को भले ही पुलिस की झोली में सफलता आई लेकिन 2022 में चोरियों को नियंत्रण पाने में पुलिस के हाथ कई मामलों में खाली रहे। खासकर वारासुनी क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। एसपी समीर सौरभ का कहना है कि क्योंकि वारासुनी महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र के अपराधी यहाँ आकर वारदात को अंजाम देते हैं। इंटर स्टेट बॉर्डर बैठक में ऐसे अपराधियों की सूची हमने महाराष्ट्र पुलिस से साझा की। वारासुनी में चोरियों पर नियंत्रण पाया जाएगा। वारासुनी में देखो अभी थाना प्रभारी जो हम मुझे लगा कि सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वारासुनी में उनको भेजा है, तो उनको 3-4 महीने का तुमको टाइम देना पड़ेगा एरिया को समझने के लिए, संपत्ति संबंधी अपराधियों को थोड़ा सा चिन्हित करने के लिए। वारासुनी का जो एरिया है वो आपका महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, वारासुनी के रामपाली कहलानी और उस तरफ के बहुत सारे अपराधी यहाँ पे आके अपराध करते हैं। तो एक तो थाना प्रभारी भी मुझे लग रहा है कि इसको काफी गंभीरता से देख रहे हैं कि इसको, और डेफिनेटली तुम्हारी बात सही है इसमें कुछ ऐसे मैटर्स है चोरी के जो अभी तक नहीं खुले। कोतवाली के तो कई मैटर्स खुले हैं, वारासिंगी के बहुत सारे मैटर्स नहीं खुले, पर इसका मतलब ये नहीं कि थाना प्रभारी प्रयास नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि शंकर सिंह चौहान काफी कॉम्पिटेंट थाना प्रभारी और प्रयास भी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा और समय देना उचित होगा। और अभी जो हमारी इंटर स्टेट बैठक हुई थी बॉर्डर बैठक उसमें भी ये था कि बॉर्डर के जो इधर उधर जो केस करते हैं संपत्ति संबंधी अपराधी उनकी सूची हम लोगों ने शेयर की आपस में, तो हो सकता है कि अगर कोई इंटर स्टेट क्रिमिनल होगा तो उस पर भी हम लोग